हेलो फ्रेंड्स, मैं दिशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल दिशा की किचन में। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ सूजी के बहुत ही सॉफ्ट और स्पेशल लड्डू। स्पेशल ये इसलिए हैं क्योंकि इन्हें हम घर में ही मौजूद चीज़ों से बनाने वाले हैं। सिर्फ 3 चीज़ों से बन जाते हैं ये लड्डू। इन लड्डुओं का टेस्ट बहुत ही अलग होता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इतने सॉफ्ट लड्डू हैं ये कि मुँह में जाते ही घुल जाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए 1 कटोरी सूजी। इस सूजी को हमें ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। इसका याद रखें, इसका हमें कलर नहीं चेंज करना है, सिर्फ इसका थोड़ा सा हमें कच्चापन दूर करना है, क्योंकि फिर ये ज़्यादा भुन जाएगी तो लड्डू का कलर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा हमें इसे ऐसे वाइट 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 सा ही रखना है। हल्की आंच पे हमें इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेना है। सूजी भुन चुकी है, हमें ऐसी ही सूजी को उतार कर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब हमें इसमें डालना है दूध। दूध हमें नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ही डालना है, ना दूध गर्म होना चाहिए ना ठंडा। मैंने यहाँ पर जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी से 2 से 2.5 कटोरी मैंने दूध इसमें डाल दिया है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध और सूजी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर गांठें ना बने, एकदम स्मूथ सा इसका वो बैटर हमें बना करके इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। जब तक हमारी सूजी रेस्ट के लिए है तब तक हम डेसिकेटेड कोकोनट को थोड़ा भून लेते हैं, यानी नारियल का बुरादा। यह आपको इजीली किसी भी किराना शॉप पर आराम से मिल जाएगा। इसको हमें ज़्यादा देर तक नहीं भुनना है, बस इसका हमें कच्चापन थोड़ा दूर करना है। ये बहुत जल्दी जलने लगता है, इसलिए इसको तेज़ आँच पर नहीं भूनना हमें, इसको भी हमें स्लो आँच पर ही भूनना है। और ये चिपकने भी लगता है, इसको चलाते हुए हमें भुनना है। 1 से 2 मिनट के अंदर ये अच्छे से भुन जाता है। नारियल के बुरादे को भुनने के बाद अब हमें उसी कढ़ाई में जो हमने रेस्ट करने के लिए सूजी और दूध का बैटर रखा हुआ था उसको हमें कढ़ाई में डाल देना है और इसको भी हमें अच्छे से भुनना है। ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगता है, इसलिए इसको हमें कम आंच पे ही भुनना है और आराम से इसको जब तक भुनना है तब तक ये पहले थिक होने लगेगा, फिर धीरे 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 ये दरदरा सा अलग अलग इसके दाने दाने होने लगेंगे, हमें तब तक इसे भुनना है अच्छे से। और एक बात और फ्रेंड्स, कि यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम कढ़ाई का यूज़ किया है, आप हो सके तो नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ करना, क्योंकि उसमें ये
चिपकेगा नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी मेरे को। तो इसमें आप घी डाल डाल के बीच बीच में एक एक चम्मच इसको चलाते रहना, इससे थोड़ा ये कम चिपकेगा और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। अगर इसमें हम ऐसे बीच बीच में घी डाल के इसको भूनेंगे ना, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा बाद में लड्डुओं में। इसको आपको भुनने में कम से कम 6 से 7 मिनट का समय लग सकता है। इसी के बीच में आप इसमें थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर भी इसमें डाल दिया है। अब हमें इसके साथ ही इनको भुनना है, इसके साथ सूजी के साथ ही हमारे ड्राई फ्रूट्स भी भुन जाएंगे। अब थोड़ी देर और हमें इसे भुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट के लिए। देखिए इस तरह से ये दिखने लगेगा भुनने के बाद। अब ये परफेक्टली भुन चुका है। अब गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए 3 से 4 मिनट के छोड़ देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें नारियल का बुरादा भून करके रखा हुआ था उसको डाल देंगे, और मैंने जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी चीनी इसमें डाल दी है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऊपर से 1 चम्मच घी हम डाल देंगे, इससे भी लड्डू का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब घी डाल करके हम इनको मिक्स कर लेंगे। और अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन रहे हैं और एकदम बढ़िया से एकदम सॉफ्ट और मुलायम टेस्टी लड्डू बनकर के तैयार होते हैं। इस तरह से आप लड्डू बना लीजिएगा। देखिए कितने टेम्प्टिंग ये देखने में लग रहे हैं, बहुत टेस्टी और एकदम इजी लड्डू रेसिपी है ये। इसी तरह से मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार यहाँ पर कर लिए हैं। देखिए कितने प्यारे लड्डू एकदम देखने में लग रहे हैं। घर में ही मौजूद हमने 3 चीज़ों से इन लड्डियों को बना करके तैयार किया है। कोई कह सकता है इन लड्डू को हमने घर में बनाया है, इनका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया आता है।
अब देखिए कितने सॉफ्ट ये लड्डू हैं, मुंह में घुल जाने वाले ये लड्डू फटाफट से हमने घर में ही मौजूद सामान से बना करके तैयार कर लिए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।